तो इफ कंडीशंस आज की हमारी टॉपिक है, वीवी के थ्रू हम कैसे इफ का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे, राइट। यहाँ पे हमने कुछ ओके सेल्स की फिगर रखी हुई है, और मान लीजिए जो जो यहाँ पे मुझे इंसेंटिव देना है, राइट। और इंसेंटिव में जो ग्रेटर देन 50 है उनको 500 का इंसेंटिव देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। इसलिए तो इफ लगाते हैं, बट इस चीज को वीवी प्रोग्रामिंग के थ्रू करना चाहते ताकि हम इफ को समझ सकें, राइट। चलिए तो हम बताते हैं, यहां पे इंसर्ट मॉड्यूल्स करते हैं, यहां पे देते हैं सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर वन लाइक एन ओपन क्लोज। तो इफ कंडीशन में हम सिंपली यहां डालेंगे कि रेंज, यहां भी इफ लगाने का तरीका समझ लीजिए कि इफ रेंज, रेंज में हमने बोला ए टू डॉट, सॉरी डॉट वैल्यू, ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन, ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, देन रेंज बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू 5। हमने क्या डाला, तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल रिजल्ट एंड सिंगल कंडीशंस, तो हम एक लाइन में लिख दिया कि इफ रेंज ए टू डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 50 देन रेंज ए टू डॉट वैल्यू इक्वल टू 500। लेकिन कई जगहों पे आपने देखा होगा कि इसको तोड़ के नीचे लाता है, फिर यहां पे एंड इफ लगाता है, राइट। आपने शायद कहीं देखा हो, ये भी हम यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास सिंगल कंडीशन और सिंगल रिजल्ट है, तो तोड़ के नीचे लाने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन यहां पे आता है, तो ये तो रन करने पे ए टू होगा ना, तो ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स को भी ले जाना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे विकास जी, ऑफसेट ऑफ फोर फॉर फोर लूप, फोर आई लूप इक्वल लूप टू यूज करेंगे, टू अरे 1 2 कितना, अपना 1 2 है, टू टू नाइन टू 9, और फिर यहां पे नेक्स्ट कर देंगे नेक्स्ट आई, लेकिन फिर भी तो ए टू के रीड कर रहा है ना, तो यहां हम क्या करेंगे, ए के साथ आई को करेंगे कंबाइन, क्या करेंगे आई को, क्यों, क्योंकि आई के ऊपर 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू होगा, तो एक एक करके अपने आप को ए कंबाइन करते जाएगा कि ए टू ए थ्री ए फोर, जब दोनों कंबाइन करेगा तो, राइट सर। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं कैसे होता है, एफर्ट करते हैं। इसमें आई क्या है, टू है, ए और टू मिलके क्या बन गया, ए टू, और बी एंड टू मिलके क्या बन गया, बी टू, तो रिजल्ट आ गया 500। फिर इस बार आई क्या हो गया, थ्री हो गया, देखिए आई थ्री है, तो ए और करेक्ट आई, यही ए और थ्री ए थ्री, बी और थ्री बी थ्री, नहीं है चल गया ऊपर, तो इसी तरह से ये पूरा चलता जाएगा, रिजल्ट आपके लूप क्रिएट सामने, करेगा। ठीक है। अब मेरे पास एंस है कि अगर लेस देन 50 है तो 100 होना चाहिए, राइट, या 0 होना चाहिए, कुछ भी ऐसा, तो इस केस में हम थोड़ी सी अपनी कंडीशन को चेंज करेंगे। पहले तो यहां पे हम दो नाम का लिए इफ टू कर देते हैं और बाकी सब सेम रहेगा, यहां से तोड़ के नीचे लाते हैं और फिर यहां देते अनलॉक हैं एल्स, और फिर यहां पे तोड़ते हैं और यहां पे करते हैं एंड इफ, और यहां पे 100, ठीक है, क्लियर है। इफ तो ग्रेटर यहां देन पे क्या 50 हुआ, देन 500 अदरवाइज 100 100,100 एल्स किसके लिए होता है, अदरवाइज के लिए होता है, या ठीक है ना, कंडीशन मैच होगा तो ए दिखाएगा, कंडीशन मैच नहीं होगा तो ए दिखाएगा, हो गया। अब इसमें मैं चाहता हूं कि कलर करता, तो मुझे एल्स नहीं चाहिए, मुझे एल्स का जरूरत नहीं है, तो चलो एल्स यहां से डिलीट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि दो, मतलब कि एक कंडीशन फुलफिल होने पे दो चीजें हो, देखिए अगर एक रिजल्ट होता तो हम यहाँ पे एक लाइन से लिख देते, अब दो रिजल्ट है इसे तोड़ के नीचे लाना पड़ेगा और दूसरा जो रिजल्ट है वो लिखना होगा, जैसे कि मैं चाहता हूं कि कलर हो जाए, ठीक है,
हम क्या चाहते हैं कि यहां कलर हो जाए, तो हम डॉट वैल्यू की जगह पे क्या डालेंगे, डॉट इंटीरियर, इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी ग्रीन। तो अब क्या करेगा, वैल्यू भी डालेगा और उसको ग्रीन भी, एक नाम के दो मैक्रो नहीं होता है, ग्रीन भी कर देगा। क्लियर सर, समझ में आया? सो तो उसमें यहां पे वो ती, सेम तीन मैक्रो, तीनों मैक्रो को समझिए, जब आपके पास कंडीशन लगाना हो, एक कंडीशन एक रिजल्ट है, तो ऐसे एक लाइन में लिख दीजिए, पर आपके पास कंडीशन में एल्स हो, मतलब कि ऐसा ना हो तो ऐसा हो, अदरवाइज में सिस्टम वाला, तो आप इस तरह से लिखेंगे, कंडीशन ट्रू पार्ट, एल्स फॉल्स पार्ट, और एंड इफ इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। लेकिन मेरे पास एल्स नहीं है, लेकिन कई सारे पार्ट है, तो अब यहां पे कंडीशन रिजल्ट, पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा, इसमें जितना मर्जी उतना रिजल्ट आप दे सकते हैं, समझे? क्लियर है? हाँ सर आप चलिए, हेलो, तो यहां पे अब इस बार जो है कंडीशन चेंज हो जा रहा है। कंडीशन चेंज इट मींस कि हम चाह रहे हैं कि इसमें एंड रहा, कि अगर 50 to 80 के बीच में होगा तो 800, अदरवाइज 0, ठीक है, अदरवाइज 0। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंडीशन चलेगी, तो इसके लिए यहां हम सबसे पहले तो यहां पे इफ 4 लगाते हैं, और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां देंगे एंड। तो यहां पे देखिए, जब एंड वगैरह लगाते हैं तो वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर ले तो बेटर होगा। तो कैसे वेरिएबल का इस्तेमाल करें, तो मैंने यहां पे लिखा कि डिम एल एज ए लॉन्ग, या कोई ले लीजिए, और फिर यहां हमने ये जो ये चीज यहां डाल रखी है ना, इसको हम एल पे डाल दें, किस पे डाल देंगे, एल, एल इक्वल टू ए रहा, और यहां फिर हम डालेंगे, देखिए इस तरह से कि एल एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड एल इज लेस देन इक्वल टू 80, देन 800, उसके बाद इसको रिपीट कर देता हूं मैं, एल्स 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 में यहां 0, क्योंकि हम यहां पे 0 डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या 0 शो करना था, बस ब्लैंक रह जाएगा ना, ठीक है। और यहां पे हम रन करते हैं कि आपके सामने, और का इस्तेमाल कब करते हैं, अब चलिए यहां हम जी वाले सेक्शन में आते हैं, यहां पे डेज है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे, इस तरह के डेट डले हो, ठीक है। अब मुझे यहां सट, यहां पे एच कॉलन में सैटरडे संडे है तो ऑफ, अदरवाइज ओपन, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर को यहां फॉलो करेंगे, लेकिन इस बार एंड नहीं और लगेगा, और यहां पे लॉन्ग नहीं होगा, यहां पे होगा डी एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि सैटरडे संडे स्ट्रिंग है, समझे, डी, और ये आ जाएगा हमारा जी कॉलर। यहां पे होगा कि डी इक्वल टू सैटरडे और और डी इक्वल टू संडे, देन, और केस सेंसिटिव होता है इसका ध्यान रखिएगा, बी के जगह पे एच, यहां भी एच, यहां हो जाएगा ऑफ, यहां हो जाएगा ओपन,
ठीक है। एक नाम के दो मैक्रो नहीं होगा, हर बार गलती कर देता हूं मैं। ठीक है सर। अब यहां पे प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हमने ऑटोमेट नहीं किया, तो इसको ऑटोमेट कर दे। कैसे ऑटोमेट करेंगे कि रेंज ए नहीं होगा, ये होगा आपका जी, जी 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो। अब क्या हो गया, फुल्ली ऑटोमेट। समझ गया। तो ये थी हमारे इफ कंडीशन, जिसमें इफ के साथ एंड और के बारे में समझाया। अब इस पे कीजिए प्रैक्टिस, कल की क्लास में हम आपको इससे आगे की चीजों को समझाएंगे, जिसमें नेस्टेड इफ और एंड के सारे कई सारे पार्ट्स जो लगे होते हैं उनके बारे में बताएंगे आप।